तीनों तैयार हो चुके हैं बीच में डुबकी मारने के लिए। क्या बोलते हो? या समुद्र नमकीन होने के लिए। तो गोवा हम आए हैं खुद को इतना ज़्यादा नमकीन बनाने कि फिर कोई बोले ही ना। तो कल हम लोग स्कूल में बहुत नहाए खेले कूदे हैं बहुत, मैं और अनिका, आज तो थोड़ा कम, हम दोनों कुछ ज़्यादा ही। यहाँ पर प्राइवेट बीच है इस ललित का ही। जी हाँ, इस ललित का प्राइवेट बीच है। चलिए आपको भी लेकर चल रही अनिका, देखिए कहाँ गई अनिका बेबे। यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है कैमरा मैन, चलो फोटो शूट। सो ये फोटो शूट आपको मिस अनिका के इंस्टाग्राम पेज पर दिखेगा, मेक श्योर टू चेक करिएगा। और बहुत प्यारा बीच है, पानी देखिए कितना ब्लू ब्लू है। तो इस तरह से कुछ थीम हमने सोची है अनिका के लिए, उसी का शूट हो रहा है। पानी में मजा की, खतरनाक वाली। अब जा रही थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी और ये दोनों निकलने का नाम नहीं ले रहे। अनिका का बिल्कुल मन नहीं है कल वापस जाने का, खैर हमारे पास एक दिन और है, फिर भी बेचारी बोल रही कल लास्ट है। बच्चों का ऐसे ही होता है, उनका मन नहीं करता कहीं आओ तो वहाँ से वापस जाने का। अब रूम पर जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे और निकलेंगे। यहाँ पर दो तीन साउथ गोवा में बहुत अच्छे बीचेस है, उन्हें एक्सप्लोर करने। ओके, वी गॉट रेडी टू एक्सप्लोर साउथ गोवा। वैसे हमारे जो ऊपर का लुक है ना, सबको सेम ही दिखेगा सारे ब्लॉग्स में, टोपी एंड
चश्मा, वो इसीलिए क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, गर्मी से ज़्यादा धूप बहुत है। गर्मी ऐसी बहुत वाली नहीं है, आप पंखे में भी बैठ जाओगे हो जाएगा, पर धूप बहुत चुभने वाली है। यस, हमारा ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा है। मैं तो दो चीज घर से लेके आई थी, ये दोनों नहीं लेके आए थे। नहीं, हम लेकर आने वाले थे पर हमारा भूल गए। पर गोवा इतनी अच्छी जगह है जहाँ पर ये सारी चीजें हर दो दो मिनट पर मिल जाती है। तो हम आ गए हैं अगोंडा बीच पर, जो कि हमारे ड्राइवर ने बोला बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। एंड हाँ, मैं देख पा रही हूँ खूबसूरती यहाँ से सच्ची में। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पर है हम अगोंडा बीच पर, बहुत जमाने का सबसे लंबा बीच था इसका। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। अनिका को बड़ी मजा आती है शेल्स को जमा करने में। हम लोग ने काफी कर लिए, आधे हमारे इधर उधर ही छूट जाते हैं, जाके आधे पड़े हुए फेंके हुए हैं, ले जाती है फिर वहाँ रख देती, फिर देखती भी नहीं। पर हमारे पास अंडमान के, मुंबई के, अलीबाग के और सारी जगह के जितने भी बीचेस हम गए हैं, हर बीचेस के है। हम लोग बीचेस बहुत जाते हैं, बिकॉज वी लव बीचेस। कलोलियम बीच पर और ये है द्रौपदी रेस्टोरेंट, जहाँ पर हम लोग सी व्यू के साथ अपना लंच करेंगे। कैसा लग रहा है? देख रहे थे, सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मतलब रोज रोज नहीं होता, लंच लोग नहा रहे तो वो एंजॉय कर रही हो। इट फील्स ग्रेट, गोवा सच्ची में बहुत ही बेस्ट प्लेस है। तो टाइम आ गया है इस कलोलियम बीच को बाय करने का, बहुत ही प्यारा बीच था। एंड बेस्ट पार्ट की यहाँ पर बैठकर लंच करने का मज़ा कुछ सच्ची में डिफरेंट ही था, बहुत अच्छा लगा। अब अनिका कुछ अपना रैंडम खाने पीने के चिप्स वगैरह शॉपिंग कर रही है, क्योंकि होटल में से ये सब नहीं मिल रहा है और चार पांच दिनों से तो बिल्कुल ही नहीं मिला है। तो चलो मैंने आज एक अलाउ किया है, बस वही ले रही है। इधर शॉपिंग बहुत अच्छी है, बट ये शॉपिंग ऐसी शॉपिंग है ना जो आप सिर्फ बीच पर ही वो कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, उसके अलावा कहाँ एंजॉय करोगे। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ खरीदना चाहिए और कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं यहीं पर पहन पाएंगे। तो वापस आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। वो घर पर आते हैं ना थक कर तो कैसा लगता है, वैसा ही कुछ लग रहा है। बाहर काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, तो हो धूप भी काफ़ी तेज है और समुंदर किनारा तो बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से। ये जो बीच है उसके पीछे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे कुछ देर, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। चलो फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो आई गॉट रेडी टू मीट सम ऑफ माय गोवा के सब्सक्राइबर्स। यस, तो मैंने उन्हें होटल का जो एड्रेस है वो दे दिया था, तो वो सीधा यहीं पर आकर मुझे मिल सकते हैं। नज़ारा इस समय बहुत प्यारा हो रखा है और सनसेट।
तो एक गलती बस मेरे से ये हो गई कि सब लोगों को जो गोवा का मीट एंड ग्रीट था वो चाहिए था नॉर्थ साइड में, क्योंकि सबके लिए वो पास था, और साउथ में एक्चुअली सब लोग बहुत गुस्सा हो रहे हैं मेरे पर कि साउथ में क्यों रखा, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि साउथ इतना अपोजिट साइड है और इतना टाइम लगेगा। तो आई एम रियली सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम जब भी गोवा आऊँगी तो नॉर्थ में ही मीट एंड ग्रीट रखूँगी। ओके, तो कुछ प्यारे से फेसेस आपको दिखेंगे गोवा के। हेलो करो, अपना नाम बताओ। अन्या। और हाय, आई एम शरण। तो अन्या की मम्मी है और हम लोग काफ़ी देर से बैठे भी बात कर रहे हैं, और इधर भी हाँ बताओ, नाम बताओ। प्रीति। राधा। प्रीति। अच्छा, मैं कंफ्यूज हूँ कि राधा एक्चुअली इज माय नानी इज नेम। ओके, तो नानी के नाम से इन्होंने चैनल अपना खोला है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। या चेक करिए, अगर आपको कोकनी गाँव वाला गोवा के गॉन फी डिशेज अच्छे लगते तो चेक जरूर करिएगा। मुझे लगा राधा इज योर नेम। माय नेम इज प्रीति। चलो, मैं कंफ्यूज थी। ओके, तो बहुत अच्छा लग रहा है इन सबको देखकर। एंड जिन्हें आप नहीं देख पा रहे हो या जो नहीं आ पाए, वो मेरी गलती की वजह से, क्योंकि आई नो मुझे साउथ में नहीं नॉर्थ में अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी मीट एंड ग्रीट की। कुछ लोगों ने मुझे डांटा भी एक्चुअली कि किरण तुमने नॉर्थ में साउथ में क्यों रखा, नॉर्थ में रखना चाहिए था तुम, जबकि यहाँ पर बागा में थी क्यों नहीं रखा। बट बागा में इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो था, मैं अनाउंसमेंट भी नहीं कर पा रही थी। सो आई एम रियली सॉरी, बट अब मुझे पता चल गया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी गोवा आऊँगी पहले नॉर्थ में अनाउंसमेंट करूँगी कि भाई बागा बीच पर करेंगे हम सबसे बेस्ट, तो फॉर श्योर होगा। एंड बिल्कुल भी मतलब मुझे इससे ज़्यादा मत डांटिएगा क्योंकि मेरे लिए बस कुछ कुछ है ना, पूरा हंक जताते हैं मेरे पर। हंक जताना भी चाहिए, जिससे आप प्यार करते हो उस पर हंक जताते हैं, है ना। तो ये बात है, तो चलिए मैं थोड़ी और बातें कर लूँ क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है बातें करने के लिए, तो फिर बात करते हैं आपसे मैं। ओके, तो मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का ट्रैवलिंग 40-50 मिनट्स का करना है, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए थे। तो बहुत अच्छा लगा, इतना स्पेशल फील करवाया। और फ्रेश फ्लावर्स, जी हाँ, मुझे बहुत बहुत पसंद है, और आज तक मुझे लगता है कि किसी ने मुझे इस तरह से फ्रेश फ्लावर्स भी दिए राज के अलावा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन फ्लावर्स को लेकर। मुझे इनका नाम तो इतना ही पता है, ये शेवंती है, बाकी सारे कौन से ये नहीं पता, पर ये वाइट वाले तो शेवंती है, और शेवंती मेरे फेवरेट में ही आते हैं। और काजू, जी हाँ, दोबारा फेवरेट, तो क्या बोलते हैं कि काजू तो गोवा की जान है। तो ये देखिए, तो पैकेट जान लेकर जा रही हूँ गोवा की मैं, जिससे मैं अपनी जान को स्ट्रांग बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच कि इतना प्यार लेकर आए आप सब मेरे लिए, और चॉकलेट्स भी आए हैं, बड़े बड़े आए, लार्जेस्ट। अनिका तो बहुत खुश हो गई। अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए, एंड जो भी आज मेरे व्यूवर्स आए थे मुझे मिलने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फील करवाया आपने, बहुत अच्छा लगा। और बस तैयारी चल रही है डिनर की, डिनर जाने की। मैंने अपने चप्पल कहाँ निकाली, मुझे याद नहीं है, चलिए मैं पहन लूँ। तो बस अभी हमने डिनर किया इस रेस्टोरेंट में, ये नॉर्मल एक लोकल रेस्टोरेंट है, पर खाना काफ़ी यमी था, तो यहाँ पर हमने खाया। हमने सोचा कि फुल साइज के लिए नहीं खा पाए, हमने थोड़ा कम खाया क्योंकि दोपहर में द्रौपदी जहाँ पर हम लोग लंच के लिए गए थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खा लिया था। तो आज हमने सोचा कि अपने होटल में छोड़कर बाहर का खाते, क्योंकि अपने होटल में कल भी मैंने खाया था, सुबह ब्रेकफास्ट में भी खाया था, इसलिए थोड़ा सा हाँ कल सुबह भी ब्रेकफास्ट करेंगे, तो थोड़ा सा बाहर का खाना भी एक्सप्लोर किया जाए, तो काफ़ी अच्छा था यहाँ का भी खाना। अब बैक टू दिस,
होटल। तो होटल की ये जो लॉबी है ये इतनी खूबसूरत लगती है कि यहाँ पर पिक्चर शूट किया जाए ना बहुत अच्छी आ जाए, मतलब बहुत ही प्यारी है। टीवी कब से चल रहा है? अरे ये होटल में बड़ा ही प्रॉब्लम है, जब आप बंद करके जाते हो ना तो बंद नहीं होता पीछे से, जैसे बाकी सारे होटल में ये कार्ड निकालते सारी लाइट्स और एसी बंद हो जाती है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये स्विच दिया है ना बंद करने के लिए। ओहो, तो आदत नहीं है कि सब बंद करके जाओगे, कि वो बता रहा था कार्ड निकालो बंद हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, तो आज मेरा ये लास्ट का दिन है गोवा में, एक्चुअली आज ही निकलना है, तो कुछ घंटे ही रह गए हैं गोवा में और मन नहीं है गोवा छोड़ कर जाने का। बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर, तो मन नहीं है जाने का। और जो चीज़ें अच्छी होती है ना उसे बहुत जल्दी छोड़ना भी पड़ता है यार, पता नहीं क्यों। तो वैसे अभी गोवा को छोड़ कर जाने का मन नहीं है पर जाना पड़ेगा। तो अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए और सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। इतना सुहाना सा जो व्यू मेरे इस कमरे से आता है उसे इंजॉय कर रही हूँ। और एक बार जाएंगे पानी में डुबकी लगाएंगे, हमने एक भी दिन गोवा में आने के बाद मिस नहीं किया कि हमने पानी में खेला नहीं है, हम एवरीडे पानी में गए हैं खेलने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स फील होता है, लाइक सबका अपना अपना तरीका होता है, ये हमारा तरीका है। बस जा रही हूँ अनिका को उठाने, राज भी फ्रेश हो रहे, 70% पैकिंग हो गई है, 30% बाकी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गोवा कि आप इतना स्वीट इतने अच्छे थे हमारे इस वैकेशन में, थैंक यू। और गोवा के सारे लोग भी बहुत अच्छे हैं और जो मेरे व्यूअर्स जो मुझे मिलने आए थे सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या बोलूँ, जितना बोलूँ कम है मुझे ऐसा लगता है। सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपकी भी कोई गोवा की मेमोरी है तो जस्ट लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए फिर बाय, टेक केयर।